morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, Mr. Bose is waiting for you. Sir, morning, आज आपकी शाम 4 बजे मिस्टर ओबेरॉय से मीटिंग है. मॉर्निंग. एंड देन उसके बाद आपकी लंदन वाले डेलीगेशन से मीटिंग है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. देव बाबू, योर डील इज फाइनल. पर इससे बेटर डील मैं आपको दिला सकता हूँ. ये देखिए, GK2 में वॉट अ बंगलो, 4,500 square feet, एम ब्लॉक मार्केट से 5 मिनट की दूरी पर. पीकू पिक्चर देखी है आपने? उसका शूटिंग इधर ही हुआ था. डायरेक्टर सुजीत सरकार बंगाली है. और ये सत्यजीत रे, वो जब दिल्ली आए थे तो पेपर्स रेडी. तो इस प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कर लिए हैं, आप इस पर साइन कर सकते हैं. देव बाबू, आप इस मकान का बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं. इतना पैसा में तो बहुत अच्छा एरिया में मकान मिल सकता है. मकान मिल सकता है, घर नहीं. और मिस्टर बोस, मैं घर लेने निकला हूं, मकान नहीं. आप बहुत इमोशनल आदमी है, जस्ट लाइक मी. मैंने भी परिणीता देखा था ना, प्रदीप सरकार, आखिरी में बहुत रोया था. मिठाई लीजिए. थैंक यू. डब्बा आप ही के लिए. मेरे लिए? थैंक यू सो मच. देव बाबू, आप थोड़ा डिफरेंट पर्सन है. मतलब 7 करोड़ का घर ऐसा जगह पे लिया जहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं रहता. हाँ, मतलब ऐसा जगह पे क्यों? क्योंकि पेड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, अपनी जड़ें नहीं छोड़ता. रो रही है? नहीं. तो खुश तो है ना? तू खुश है? हाँ. तो मैं भी खुश हूँ. तो ये क्या है? ये मन पागल होता है. खुशी से भरा है तो आंखों से छलक पड़ा. आज तुम्हारे पापा होते तो. पापा जहां भी हो, तुम पर गर्व महसूस कर रहे होंगे. तूने जैसे अपने बच्चों के बचपन को संभाला है ना, कोई नहीं कर पाता. आज कितने सालों बाद यहाँ आए हैं ना, सब कुछ कितना बदल गया है यहाँ. यह पहले हरीलाला की दुकान हुआ करती थी, और फिर ननकू हलवाई का घर, और थोड़ा आगे एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे बूढ़ा भिखारी बैठा करता था, जिसे तू रोज खाना खिलाती थी. हाँ. और मैं रोज तुझसे लड़ता था कि क्यों माँ अपने हिस्से की रोटी उसे क्यों दे रही है. तू कहती थी कि भगवान गरीब भले ही बना दे, दिल गरीब ना दे. चलना, भोले बाबा के दर्शन करके घर चलते हैं. राम सिंह, गाड़ी रोको. सब चुकता हो जाए. नहीं. क्यों माँ? माँ तू ही तो कहती थी ना कि बेटा माँ की लाठी होता है, और लाठी सिर्फ सहारा नहीं देती, दंड भी देती है. नहीं देव,
कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसे चबाते नहीं, उसे थूक देते हैं। कड़वी यादों के साथ भी हमें वही करना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया है। नेहा की शादी अगले महीने होने जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर पुरानी चोट को खुद हरा क्यों करना। चलो बेटा, पता यहाँ किसका मकान हुआ करता था? सावित्री काकी का। अरे वाह, तुझे तो सब कुछ याद है। वही तो माँ, याद रखना आसान होता है पर भुलाना बहुत मुश्किल। बच्चे घर पहुंच गए होंगे? हाँ माँ, मामा मामी, नेहा, रिया, निकी सब। अभी तक तो निकी ने चिल्लाना भी शुरू कर दिया होगा। इतना बड़ा घर है ना, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में रूमिंग लग जाए इतना बड़ा। अपने नेहा दीदी का रूम देखा, अरे सबसे बड़ा रूम है। चलो उनसे कहते रूम एक्सचेंज कर ले प्लीज। तू ही बोल, मुझे तो जो भैया ने दिया है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार दीदी, आपको कभी कुछ चाहिए नहीं होता क्या? जैसे संतोषी माता। एनीवेज, नए घर की फर्स्ट सेल्फी। अरे कम ऑन दीदी, पाउट करो, से खाते डक फेस ऐसे। बेटा एक सेल्फी हमारी भी ले लो। मामा जी ये सेल्फी है, खुद से क्लिक की जाती है, और वैसे भी पाउट करते वक्त ना टीनेज लड़कियां क्यूट लगती है। आपने देखो बेटा, इतने शानदार घर में सब कुछ क्यूट ही लगता है, इंक्लूडिंग मी। और ये घर थोड़ी है, ये तो महल है, महल। जरा अपनी मामी का हाल तो देखो, बावरी गांव में ऊटनी सी घूम रही है। गांव में व्हाट? ऊटनी। यू आर सो क्यूट मामा जी। अरे हमको नेहा दीदी का रूम देखना है, बाय। आह, क्या घर बनाया है देव ने, क्यों भाग्यवान? क्या ख्याल है आपका? के रूम में इतनी सारी बटरफ्लाईज। देव भैया को याद था ना कि नेहा दी को बचपन से ही तितलियां कितनी पसंद है। दी, आपको याद है आप बचपन से क्या कहा करती थी? कि जिन फूलों के पंख लग जाते हैं वो तितलियां बन जाती हैं, है ना? भैया ने तो हमारे रूम में एक मक्खी तक नहीं बनवाई। वैसे दीदी आपका रूम ना घर में सबसे बेस्ट, एकदम बेस्ट। बेस्ट? ऐसा क्या खास है इस रूम में? As usual, normal सा तो रूम है। ओ प्लीज दीदी, अपनी क्रिप को मारी बनना बंद करो। अब वैसे भी मुझे ना ये रूम सबसे बेस्ट लगा यार। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि आप तो एक महीने बाद शादी करके चले जाओगे, फिर तो इस रूम में मेरा ही राज होगा, फिर मैं पिज्जा खा के आपके रूम के पर्दों से हाथ पोछा करूंगी, के बाद इस फ्लोर पे केचप गिरा के सैंडविच खाया करूंगी, फिर रिया दीदी से बालों में तेल लगवा कर ये जो क्या है उससे बाल पूछा करूंगी ऐसे ऐसे। इधर आ जा, शादी के बाद भी ये रूम मेरा ही रहेगा, कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। हाँ पजेसिव रूम तो पसंद नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों? रूम ओके ओके है, लेकिन सबसे बेस्ट बात पता क्या है इसका? वो अलमारी बहुत सुंदर है। ये अलमारी बंद क्यों है? ये अलमारी हटानी है मैम, गलती से यहाँ आ गई थी। रहने दो। नहीं मैम, हटानी पड़ेगी। मतलब मैंने कहा ना ये यहीं रहेगी। देव जी का ऑर्डर है मैडम।
लेकिन हम घर आ ही गए। क्यों रही है भाई, क्या हुआ? ओहो, समझ गया समझ गया, खुशी के आंसू होंगे, है ना? ईश्वरी जी जी आ गई आप। देखिए ना कितना सुंदर घर बनाया देव ने। बड़े आदमियों के घर ऐसे ही होते हैं राधा रानी, ये ईश्वरी की तपस्या है तो देव आज इतना बड़ा बन गया। नहीं भैया, मैंने तो बस वही किया जो कोई भी माँ करती है। मेरा देव तो अपने बलबूते पे बड़ा हो गया है। ईश्वरी, अपना घर तो देख लो। हाँ हाँ, मुझे सबसे पहले रसोई उस तरफ। ये रही तेरी रसोई। सब है। बहुत बड़ा है। ये कौन है देव? आ दिखाता हूं, आजा। आमा। अरे अरे, ये क्या देव? नए घर में पहला चूल्हा तो घर की औरतें ही चलाती है। माँ, बहुत काम कर लिया तूने। आज से तेरा रसोई में आना जाना बंद। देव, बेटा रसोई सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ की सहेली होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। जब माँ रोती है तो आंसू छुपाने के लिए रसोई में आकर प्याज काटती है, और जब हंसती है तो हंसी बांटने के लिए रसोई में आकर मिठाई बनाने लगती है। जानता हूँ माँ, जानता हूँ कि घर आंगन बच्चों का होता है, लेकिन माँ की सिर्फ रसोई होती है। सब जानता है ना तू, फिर भी अपनी माँ से उसकी रसोई छीन रहा है, और छीन कर दे भी किसे रहा है? माँ, ये नत्थू हलवाई के यहाँ से, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। माता जी, परसों नहाए थे हम। देव, लड्डू तो मैं ही बनाऊंगी। भाई साहब जरा हटिए। लड्डू तू बनाएगी तो पूजा में कौन बैठेगा? मैं सब कर। पूजा, बेटा तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। तेरे भगवान से मेरी कल भी नहीं बनती थी और आज भी नहीं। देव, कितनी बार बोला है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। कम से कम आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना मेरे लिए। ठीक है, ले, झुका लिया सर भगवान के सामने। सर मैं कर देता हूँ। सो के मैं कर लूंगा।
अच्छा हवन कुंड कहाँ रखा है? सर वो गैराज में है और गैराज का दरवाजा बंद है और चाबी स्टेट एजेंट बहुत समय देना भूल गया। ठीक है अब जाइए। हेलो बोस। बोस स्पीकिंग। मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है। ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट हाँ? बदमाश। शुगर के बाद भी मिठाई। मायर अदोरेर बोले कि तुम्हें माता रे चढ़वे। क्या कहा आपने? माँ के लाडले हो तो कुछ भी करोगे। What do you mean, ma'am? एक मिनट। मैंने आपसे नहीं कहा। Why are you screaming? आपको बात किससे करनी? मुझे मिस्टर सौरभ बोस से बात करनी है। ये उन्हीं का नंबर है ना? हाँ, एक्चुअली भाई ने अपना फोन घर पे छोड़ दिया। आजकल बहुत लॉस्ट है। I think he should take vitamin B12. देखिए मैम, कब तक लौटेंगे? I don't know. आप अपना नाम और मैसेज दे दीजिए। मेरा नाम देव दीक्षित है। उनसे कहिएगा मुझे कॉल करें। थैंक यू। देव दीक्षित। VIP कल्चर। ना खुद पूरा बोलते हैं ना दूसरों को बोलते हैं। अरे अलमारी है प्रियंका चोपड़ा नहीं जैसे प्यार जता रहा है। बस प्रियंका चोपड़ा दिखती है ना? हाँ दिखती है तो दिखती है। अरे यार क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसा घर तो सिर्फ फिल्मों में देखा था। बात है यार, हाँ इतना बड़ा घर बना लिया तो बंटी को भूल गया, बंटी को भूल गया तू? बंटी को कैसे भूल सकता हूँ। मुबारक हो यार, आंटी को किराएदार से घर का ओनर बनाने का सपना आज तूने पूरा कर दिया। हाँ। ये तो याद है यहाँ खेलने में कितना मजा आता था। कितने छक्के मारे मैंने तुझे। हाँ तो कौन सी चांद तक पहुंचानी थी बोल। ये हरी जूस वाले की दुकान का तो छक्का था। रत्ना आंटी घर में आउट। सच कह रहा हूँ यार, अगर तू गली क्रिकेट से 9 साल की उम्र में रिटायर नहीं हुआ होता ना तो बेटा तू आज कोहली होता। पर भाई साहब के तो एम्बिशन ही अलग थे। देख तुझे याद है 3rd standard में अपने गुप्ता सर, वही टकलू, उन्होंने हम सबसे पूछा था कि अपने अपने एम्बिशन बताओ। तो उस मोटू दुबे ने कहा था कि इंजन ड्राइवर बनना चाहता है। भाई शक्ल तो उसकी गैंडे जैसी थी, फिर उसका बनना इंजन ड्राइवर था। और मैं भाई मुझे तो जानता ही है, बचपन से ऐसा लेफ्ट कट खेलता हूँ ना, मुझे बनना था सौरभ गांगुली। कट्टू तूने कहा था कि अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ तेरे की। अरे बचपन से ही बोरिंग सपने रहे यार तेरे। अरे यार इंटरेस्टिंग सपने हमसे पूछ। भाई 7th class से ना ऐसे ऐसे सपने आने लगे थे कि बस पूछ मत। लेकिन देव सच बताया, तूने कभी कोई और सपना दिखाई नहीं यार? आंखों में किसी और सपने की जगह ही नहीं थी। अरे रुक ना, 2 मिनट रुको तुम, मैं लेकर जाती हूँ। आपके बंटी ने तैयारियां की, वो भी आपकी माँ के लिए, तो कुछ गलत हो सकता है क्या? भाई एक था वो तानसेन और दूसरी है ये तानासेन, हर बात पे ताना। पर क्या फायदा, अगर ऐसे बेशरम लोग होंगे तो सारे ताने भी बेकार जाएंगे।
तो क्या है ना जी, शर्मी भी एक आर्ट होती है मिस दाना सेन। क्या? यार अंदर का मौसम तो बहुत खराब हो गया यार, मैं बाहर की तैयारी देख के आता हूँ। नेहा, कमरा कैसा लगा? अच्छा है। पता है, तेरा कमरा घर का सबसे खूबसूरत कमरा है, सबसे बड़ा कमरा, सबसे बड़ा बाथटब। माँ ने मुझे आपकी तरह बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही मेरे लिए बड़े सपने देखे, तो ये बड़ा घर, बड़ा कमरा, ये सब उसका कॉम्पेंसेशन है क्या? नेहा। भैया, आपको बचपन से लेकर कॉलेज के हर इवेंट में ना गोल्ड मेडल मिला, सिर्फ एक बार सिल्वर मिला था। कितने दिन तक नाराज थे, याद है आपको? तो सोचिए, जो पैदा ही अपने गले में सिल्वर मेडल लेकर हुई हूं, उसे कैसा लगता होगा जिसकी माँ ने उसे जिंदगी भर एक सेकंड बेस्ट समझा, उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तू अब बोल, बोल तुझे क्या चाहिए, जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा। अगर ऐसा ही है, मुझे अलमारी चाहिए। ठीक है, कल ऐसी अलमारी तेरे कमरे में होगी। मुझे ऐसी नहीं, मुझे यही अलमारी चाहिए, और वो भी आज। नेहा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। नेहा, अरे ये भरी बंदूक से बनी कहाँ चली जा रही है, एक बार अपनी मामी को तो देख ले। मामी। अरे क्या हुआ, चेहरे पर पौने बारह क्यों बजा रखे हैं? देख, रोना शुरू मत करना, आप अपने आंसू विदाई के लिए बचा कर रख, अगर विदाई में नहीं रोएगी ना तो लोग कहेंगे कि लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। ऐसे एक बात कहूँ, ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं तुम्हारी शादी की, सच्ची राम जी का अवतार है देव। क्या हुआ, दीप से लड़ाई हुई है? अरे बहन भाई में तो लड़ाई हो ही जाती है, अब क्या हो गया, उसने कुछ कह दिया तो? बड़ा भाई है, कह ही देता है। जी ऐसे ही कह देते, कहा था कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हुआ क्या, एक अलमारी तक नहीं दी गई उनसे। वैसे तुमने तो अपना पूरा बचपन उसे दे दिया, एक अलमारी नहीं दे सका तुम्हें, फिर ऐसा है क्या उस अलमारी में? देखना पड़ेगा कि देव जैसा लड़का अपने पूरे परिवार से आखिर छुपा क्या रहा है। बोस बोलिए। मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है। भैया अभी तक नहीं लौटे। तो कब लौटेंगे, आपके भाई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी की नहीं है। और एक मिनट, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं बोस हूँ, सौरभ बोस नहीं। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, लौकी खाइए, इट विल हेल्प। देखिए मैम, तुम ही एकता बोका। क्या बोका बोका, आप बार बार बंगाली में क्यों बात कर रही है? ना ही मैं आपकी प्रॉपर्टी डीलर हूँ और ना ही आपकी ट्रांसलेटर, सो गुड बाय। हेलो, भैया इतने सूखे लड्डू मेरे देव को पसंद नहीं, घी मिलाइए। क्या हुआ बेटा, ये गिर गया मेरे हाथों से। कुछ नहीं हुआ बेटा। मां आया, देख के काम नहीं होता आपसे, ऐसे काम करते हैं क्या? देव, 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 कुछ नहीं हुआ मुझे। देव बेटा, इनकी गलती नहीं है, वो तेल उछल कर गिर गया, तेल को डांट। माँ मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी। माँ चल यहाँ से। मैं ठीक हूँ। अरे चल। मैं ठीक हूँ, सुन लो मेरी बात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। कहाँ जा रही है, रुकना, घर में छोटी छोटी बातें होती रहती, छोड़ना। ये बताओ, देव ने अलमारी में क्या रखा है,
ये देखने का मन नहीं है तेरा? ये देख। कहाँ है ये फर्स्ट एड बॉक्स? बेटा तू क्यों जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा है? मैं ठीक हूँ। माँ बस। मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने। अरे क्या क्या हुआ? अरे माँ तू बैठ, तू बैठ, मैं देखता हूँ। हाँ जा जाकर देख। नेहा? देव क्या है ये सब ताले में क्यों बंद करके रखा है? इतनी महंगी इतनी सुंदर अलमारी है, ये क्या भर रखा है इसमें? पूरा कबाड़ जमा कर रखा है तुमने। खुदा पहाड़ निकली चुईया। ये घिसी हुई इतनी पुरानी सी गंदी सी चप्पल किसकी है ये? ये पुराना फटा सा शॉल बाबा आदम के जमाने का है। फटी हुई डायरी क्या है इसमें? 12 फरवरी 1997 मकान का किराया 1500, देव की पुस्तक 5। अरे एक मिनट रुक ना। चाय पत्ती पेंसिल लकड़ी पट्टी देव का यूनिफॉर्म पानी का बिल। छी क्या है देव? ये सब मेरा। ये कचरा क्यों भर रखा है इसमें? बस आपको इस घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? जल्दी पहुंच गए थे, 20-25 मिनट का रास्ता था बस। मेरी माँ को इस घर तक पहुंचने में 25 साल लगे और सफर लंबा था, इसलिए चप्पलें तो घिस जाती। डायरी में सिर्फ पुराना हिसाब नहीं, जब 100 रुपए का नोट मिलता था तो वो सिर्फ एक नोट नहीं होता था, उसमें कई छोटे छोटे सपने होते थे। जब एक बच्चे को चोट लग जाए तो उसकी दवाई पे वो सिर्फ 100 का नोट नहीं टूटता था, वो सारे सपने भी टूट जाते थे। डायरी में उन सपनों का हिसाब, जो कि आपको कचरा लग रहा है, ये कचरा नहीं है मेरे लिए, ये मेरी माँ का पसीना है। पूजा का समय हो गया है। नेहा जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे। आज के बाद इस अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नेहा कल तुझे ऐसी अलमारी मिल जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.